ये दरगाह 850 साल पुरानी दरगाह है। सांप या बिच्छू किसी को डंक नहीं मारते हैं। कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ हजरत शाह विलायत साहिब दरगाह। ये दरगाह अब से 850 साल पुरानी दरगाह है और कहा जाता है इस दरगाह पे कोई भी आता है तो यहाँ पे सांप या बिच्छू कोई किसी को डंक नहीं मारते हैं, क्योंकि कहा जाता है एक वरदान मिला हुआ था, मतलब एक दुआ थी। तो पूरी डिटेल मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे सामान मिलता है जिसको चादर लेके जानी हो या फूल वगैरह चढ़ाने हो। लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें खरीदो। ये जिसको ख़रीदनी हो वो ख़रीद सकता है, या फिर जिसको बिना ये ख़रीदे अंदर जाना हो वो जा सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ़ मुस्लिम्स के लिए ही नहीं, कोई भी मज़हब कोई भी धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी किसी के लिए रोक टोक नहीं है, तो यहाँ पे आएँ, आप विज़िट करें, फातिहे पढ़ें। एंट्री करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको मस्जिद मिलेगी जिसका नाम है मस्जिद शाह विलायत, और उसके बराबर में ही आपको मिलेगा दरगाह शरीफ का रास्ता जो कि है हजरत शाह विलायत साहब की दरगाह। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ की जो मेन दरगाह है वो आपको सामने शायद दिख रही होगी, सामने वाली मेन दरगाह। तो ये दरगाह अब से लेके 850 यानी कि 850 साल पुरानी दरगाह है। दोस्तों इनका पूरा नाम हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत है। इन्होंने अपनी शुरुआत ट्रेवल कह सकते हैं, ये यात्रा कह सकते हैं, वो ईरान से शुरू करी। इनके उस्ताद ने इनसे कहा था, जब आपको रोहू मछली और कोई आम खिलाएगा तब जाके आपकी यात्रा यानी कि आपका ट्रेवल वहीं खत्म हो जाएगा। तो कहा जाता है एक बूढ़ी औरत ने इन्हें अमरोहा में रोहू मछली और आम खिलाया था, तब से उन्होंने अपना ठिकाना अमरोहा ही बना लिया था। अमरोहा का नाम भी इसी वजह से ही पड़ा था, अम मतलब आम, रोहा मतलब रोहू मछली, तो बनता है ये अमरोहा। और यहाँ की एक खास बात और है, इस दरगाह में कोई भी अगर आपको सांप या बिच्छू मिले तो आप उसे बेझिझक पकड़ सकते हो, उठा सकते हो, आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो आपको ना कुछ करेगा ना काटेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने हाथ में बिच्छू लेकर, आगे जाके आप देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा मैंने सोचा था मैं थोड़ा भी खुद को फ्रेम में ले लेता हूँ। जी हाँ, आप आ चुके हैं हम बिच्छू के पास और मैं चाहता हूँ ये मेरे हाथ में आए। ये सच है, ये बिच्छू किसी को कुछ नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म कोई भी मजहब के लोग हों। आप आए यहाँ पर तो यहाँ पर आके आप फातिहा पढ़ सकते हैं और कुछ देर बैठ भी सकते हैं सुकून से। तो देखा आपने, यहाँ पे बिच्छू मेरे हाथ में था, उसने कुछ नहीं कहा अल्लाह के शुक्र से, और दो लोगों ने और अभी अपने हाथ में लिया था बिच्छू। तो एक दुआ मिली थी उन्हें कि यहाँ पे कोई भी इंसान आएगा तो कोई भी सांप या बिच्छू उन पे असर नहीं करेंगे ना उन्हें काटेंगे। तो यही चीज़ चलती आ रही है पिछले 850 सालों से। तो आज मैं शाह विलायत साहब की दरगाह पे विज़िट कर लिया है मैंने। जैसा कि सुना था कि यहाँ के बिच्छू कुछ नहीं करते हैं, डंक नहीं मारते हैं, परेशान नहीं करते हैं, तो वैसा ही हुआ, बात बिल्कुल सच है। मैंने हाथ में लेके देखा था, ज़िंदा बिच्छू था वो। तो आप भी आएँ यहाँ पे, आके फातिहे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आइए मैं कहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।